हे नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग अपने वीडियो में इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वीडियो स्क्राइब के बारे में बात करूंगा, कैसे हम खुद से वीडियो बना के उससे वाटरमार्क हटा सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया खर्च किए हुए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा से पूरा देखें और एक बार में समझ में न आए दो बार तीन बार चार बार करके देखें। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है गेट इनटू पीसी। और यहाँ टाइप करने के बाद सबसे फर्स्ट वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ हम लोग जाएंगे सर्च में। सर्च में जाके हम लोग को यहाँ टाइप करना है वीडियो स्क्राइब। हम इससे पहले टाइप किए हैं इसलिए मेरा ऑलरेडी इसमें सेव हो चुका है। आपको यहाँ पे टाइप करना है वीडियो स्क्राइब और यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। और यहाँ ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको सबसे पहले वाले पे वीडियो स्क्राइब प्रो सेटअप फ्री पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, ये देख पा रहे हैं आप। डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद सेकंड यहाँ पे ओपन होता है एक और इंटरफेस और जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर में आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का आपके सिस्टम में ओपन होगा। इसको दोस्तों आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है और यहाँ पे जैसे ये 100% होगा यहाँ पर एक न्यू फोल्डर आ जाएगा। यहाँ ओपन करने के बाद आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से आप अपने सिस्टम के या आप अपने मोबाइल के इंटरनेट बंद कर दें। इस तरह का एक फोल्डर आएगा। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप अपना इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर दें। डिसकनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से रन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इसको आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग इसे कट कर देते हैं। अब दोस्तों हमें वापस से उसी फोल्डर में आना है जिस फोल्डर में हम जाके वहाँ से इंस्टॉल किए थे। ये देख चुके हैं हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्रैक के अंदर जाना है। यहाँ पे आप पैच नाम से एक आपको फोल्डर मिला होगा, यहाँ पैच को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और दोस्तों कॉपी करके हम लोग चलेंगे सी ड्राइव में जहाँ पे आप इंस्टॉल किए थे। मेरा सी के अंदर प्रोग्राम फाइल है। प्रोग्राम फाइल के अंदर यहाँ पर एक स्क्रॉल टाइप का एक फोल्डर मिलेगा आपको, इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पे इसे ओपन करते हैं और ये फोल्डर में आने के बाद यहाँ हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं जो कॉपी किए थे। अब हमें यहाँ से इसको रन कर देना है। रन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे एक ब्लू कलर के आपको लिंक दिखेगा जिसपे कर्सर ले जाने के बाद रेड हो जाता है। यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग को एक फोल्डर मांगेगा जिस फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल था वही फोल्डर में अपने आप आ जाएगा ये। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है और यहाँ यस कर देना है। यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपका हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अब एक बार इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे वाटरमार्क ये हट चुका है। तो दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है।
तो दोस्तों ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एक वीडियो यहाँ पे हम लोग डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं वाटरमार्क है या हट चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से सभी वाटरमार्क जो भी पहले था वो हट चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम आपको किसी तरह का कोई भी एक जानकारी देने में असमर्थ ना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।